मद्रास लिए चलते हैं। एंड कराची यूनिवर्सिटी अ स्पेशल टीम बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज बीन पोजीशन एट कराची यूनिवर्सिटी व्हिच इज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग दीस डीएनए टेस्ट। नो सूनर दैट इज कंप्लीटेड वी विल स्टार्ट टू हैंड ओवर द बॉडीज टू द डियर वंस। द नेक्स्ट फेज इज that will start the compensation which Honorable Minister will provide, the information he will be giving you. The Aircraft Accident Investigation Board, an independent body, has been formulated by Government of Pakistan. It has been positioned. Now I am liable to give all kind of assistance in the kind of information which I am supposed to. And thereafter, in the light of investigation by this independent body, whatever and whosoever is made responsible within my organization, I'll be taking the stern possible action, and thereafter I'll also present myself to the government of Pakistan. Fortunately, we have found the black box, and that has also been handed over to Aircraft Accident Investigation Board team. This is the update, and we stand beside the shohadas, the grieved families, and every possible effort which can be done that will be executed to facilitate. Thank you very much. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया साफी बरादरी का। सबसे पहले तो मुझे इस इंतहाई अफसोसनाक वाक्या पे तमाम अहलियान पाकिस्तान, अहलियान कराची और बिलखसूस जिन फैमिलीज के अंदर शहादतें हुई हैं उनसे अफसोस करना है, दिली रंजो गम का इजहार करना है, उनके गम में बराबर का शरीक होना है और दिली दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाकिन को सब्र व जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला सबसे बड़ा कंपनसेट करने वाला तो वो पाक जात है। अल्लाह ताला हमें उन फैमिलीज को कंपनसेट करने की, उनके दुख कम करने की तौफीक अता फरमाए और हकायक कौम के सामने जल्द अज जल्द रखने की तौफीक अता फरमाए। तो मकसद मेरी इस विजिट का गोवा हादसे के वक्त इमीडिएटली चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए कराची पहुंचे, ये भी इस्लामाबाद थे, मैं भी इस्लामाबाद था। इसमें आर्मी कोर कमांडर साहब का, इसमें रेंजर्स, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे बढ़ के जो मैंने मीडिया में देखा, जो जज्बा मैंने देखा है अवाम का, वॉलंटियर्स का, वो मैं खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता कि उस आग में जिस तरह कूद के इंसानी जानों को बचाने की कोशिश हो रही थी, अपनी तरफ से एक कोशिश थी, एक जज्बा था, तो उसे मैं अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता। मैं तमाम उन अदारों जिन्होंने एक रोल प्ले किया, उसमें आर्मी है, उसमें रेंजर्स हैं, उसमें सोशल अदारे भी उसमें मौजूद हैं, रफाई अदारे भी उसमें मौजूद हैं, वॉलंटियर्स भी उसमें मौजूद हैं और सबसे बढ़ के एलियान मुअल्ला जो अफेक्टिव थे उस मोहल्ले के और जिन्होंने लोगों को इमीडिएट रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाकया बहुत बड़ा है और इंतहाई काबले अफसोसनाक वाकया है। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, ईद भी करीब है, लोग अपने प्यारों को मिलने आ रहे थे, तो जो सदमा है मुझे भी बहसीयत एक इंसान, वो मेरे जज्बात भी मेरा साथ नहीं दे रहे और मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन दिली दुआ ही कर सकते हैं और अपनी वसात के मुताबिक जो उन फैमिलीज के लिए कर सके ज़रूर इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो सबसे पहले तो जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने फरमाया कि कंपनसेशन, कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, ये कोई कंपनसेशन नहीं है,
लेकिन एक ट्रेडिशनली ये होता है वो 5 लाख रुपया ये कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। प्राइम मिनिस्टर की खसूसी अदायात पे उसे 10 लाख किया गया, और एक जो इंश्योरेंस मनी है उसे भी एक टाइम लिमिट किया गया और कहा गया कि जल्द अज जल्द जितने कम अज कम वक्त में इंश्योरेंस मनी इन एग्रीव्ड फैमिलीज को पहुंचाई जा सके वो पहुंचानी है। और इसके बाद सिविल आबादी पे ये जहाज क्रैश हुआ है, एक गली में गिरा है, दोनों तरफ के घर डैमेज हुए, मैं खुद देख के आया। उन घरों की कंपनसेशन या रिहैबिलिटेशन, उनकी रिपेयर मुरम्मत, और फिर उनकी जो अमलाक तबाह हुई, साथ उनकी गाड़ियां तबाह हुई, वो भी एक फेयर सर्वे करने के लिए हमने अदायात पीआईए को अपने तौर पे, सिविल एविएशन अथॉरिटीज को अपने तौर पे, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तौर पे, और ये पैरेलल एनालिसिस भी होगा, असेसमेंट भी होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से खुसूसी तौर पे उन फैमिलीज को जिनकी अमलाक तबाह हुई, जिनकी गाड़ियां जली, जिनके घर खराब हुए, उन्हें कॉम्पनसेट किया जाए। तो एक तो उसे भी मैंने अश्योर करना था, खुद देखना भी था और यकीन दहानी भी करानी थी, और इस प्रोसेस को भी मैं खुद देखूंगा भी, और जल्द अज जल्द ये कॉम्पनसेशन भी दिलवाने की कोशिश करूंगा। बाकी इसमें जो सबसे अहम फैक्टर है, जो मेरा कंसर्न है, यकीनन आपका भी कंसर्न होगा, मैं भी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से कह रहा था कि रिसेंट पास में अब 3 हादसे हो चुके, गिलगित का हादसा, फोकर फ्लाइट लैंडिंग के टाइम डैमेज हुआ जहाज, उससे पहले चित्राल का हादसा, वो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई वाली बात कि अगर बर वक्त इंक्वायरी ना हो सके, बर वक्त रिपोर्ट ना आ सके, रिपोर्ट पब्लिक ना हो सके, ये सबसे बड़ी कमजोरी अदारों की कमजोरी और हुकूमत वक्त की कमजोरी होती। तो एक बात, इस बात पे मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि कम अज कम टाइम गोस में, टाइम मैंने ये भी डिस्कस किया कि टाइम लिमिट किया जा सकता है, तो मुझे ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ अदारे और बड़ा माइन्यूटली इसकी इंक्वायरी होगी, जितने डेब्रिज पड़े हुए जो अभी हम देख के आए हैं इन सब को उठाया जाएगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, फिर इसकी इंक्वायरी सीए अपने तौर पे, पीआईए के इंजीनियर एक्सपर्ट्स अपने तौर पे, और सबसे बढ़ के जिस कंपनी ने ये तैयारा बनाया, एयरबस जर्मनी और फ्रांस, उनकी टेक्नोलॉजी थी, उनके एक्सपर्ट्स ने भी आना है, वो उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी है, और हमारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंडिपेंडेंट बोर्ड है जिसमें एयरफोर्स के ऑफिसर अफसरान भी हैं, सीए भी है, उन्होंने अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करनी है, पीआईए सीए इंडिपेंडेंटली करेगी, और मैं खुद इसे सुपरवाइज करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि 3 माह के अंदर, लेकिन अभी तक चित्राल हादसे की रिपोर्ट नहीं आ सकी, पब्लिक नहीं हो सकी, तो ये हमारी कोशिश होगी कि 3 माह के अंदर इसकी रिपोर्ट, प्रोविजनल रिपोर्ट सामने आए, अगर मुकम्मल रिपोर्ट ना आए तो कम से कम प्रोविजनल रिपोर्ट तो सामने आए कि आवाम जान सके कि यह हादसा किस तरह पेश आया। और इस बात पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, सर किसी का जाता है, हमारा भी जाता है, हम भी हाजिर, हम तो एक नई ट्रेडिशन रकम करने चले हैं कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना, तो इसमें मैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हम भी जिम्मेदार हैं, अगर किसी तरह किसी हवाले से हम पे भी कोई जिम्मेदारी आती है तो हम भी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को मिनिमम टाइम के अंदर तैयार करवाना, नेशनल असेंबली में पेश करना, लोगों के सामने उसे पब्लिक करना, और फिर उस पर एक्शन लेना, ये हमारी एक जिम्मेदारी होगी। तो मैंने तो यही शॉर्ट स्टेटमेंट देनी थी, अब अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो।
कानूनी तौर पर इजाजत है या नहीं, नहीं है तो सिविल एविएशन ने क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की? आपके इस सवाल का जवाब भी इंक्वायरी रिपोर्ट में आएगा कि उस फनल एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, तो जो लोग उसके जिम्मेदार हैं इंशाल्लाह ताला उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करना होगा। लेकिन कंपनसेशन जो डैमेज है उसकी कंपनसेशन वो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट से दिलवाएंगे, चाहे उनकी इमलाक हो, चाहे उनकी असबाब हो, जो चीज़ें उनकी ख़राब हुई हैं। बाकी जो कंपनसेशन, ये एयरक्राफ्ट भी इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस की रकम उस कंपनी ने फराहम करनी है, उससे हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगी और बाकी एग्रीड फैमिलीज के लिए भी होगी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया जी, रात इफ्तारी के बाद हमारी हंगामी मीटिंग हुई और डुअल चार्ज है सेक्रेटरी एविएशन का, डीजीसीए भी उनके पास चार्ज है। रात ही हमने समरी बनाई भी, मैंने उस पे सिग्नेचर भी किए और बाय सर्कुलेशन उसे हमने फेडरल कैबिनेट से मंजूर भी करवाया और नोटिफाई किया। तो प्रॉपर सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ये कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी है या बोर्ड है, उसे नोटिफाई किया गया। तरमीम नहीं हुई बिल्कुल, उसकी डीजीसीए के पास अगर पावर्स हैं तो डीजीसीए ने भी वो पावर्स एक्सरसाइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर के नोटिस, हमने समरी भिजवा के उसकी अप्रूवल ली। मैंने यही अर्ज किया कि डीजीसीए ने भी उसे नोटिफाई किया, वही सेक्रेटरी है, और हमने स्पेशल परमिशन इस पे प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी देखे कि ये पावर्स डीजीसीए के पास हैं, उसे एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये हम फेडरल कैबिनेट की भी मंजूरी लेना चाहते हैं, लेके इसे नोटिफाई करना चाहते हैं। यकीनन ये आजाद उस लिहाज से नहीं है कि सिवाय नाम के इसमें आजाद चीज क्या है, ये सारे सिविल एविएशन अथॉरिटी से तनख्वाहें लेती हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, अमला उनका होता है, तो इंडिपेंडेंट बोर्ड तो आज तक पाकिस्तान में नहीं बना है, तो ये डीजीसीए के अंदर है सारी चीजें, तो इससे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं? देखें जी, सीए एक गवर्नमेंट का अदारा है, उसके दो हिस्से हैं, एक रेगुलेटरी है, एक कमर्शियल है, और यकीनन उसमें एयरफोर्स के अफसरान भी मौजूद हैं और ये भी यकीनन वो क्वालिफाइड अफसरान मौजूद हैं, और इस चीज़ की जिम्मेदारी बहसीयत एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जी सर, देखें जी, फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती हैं, आपसे इंटरेक्ट भी करना है, जो कुछ हमने किया है या जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचाना भी है, और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये राय भी हमने लेनी है, इसे भी हमने मद्देनजर रखना है। तो मिनिस्टर मैटर नहीं करता, आज मैं हूं तो कल कोई और होगा। देखे ना, 2016 का वाकया है, उस वक्त गवर्नमेंट और थी, प्राइम मिनिस्टर और था, लेकिन जिम्मेदारी बिल आखिर इंस्टीट्यूशन पे है, जिम्मेदारी सीए पे है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है, तो वो कंटिन्यूटी रहती है। तो वो जिम्मेदारी अगर कोई कोताही पिछली गवर्नमेंट से भी हुई तो मैं तो उसे भी रेटिफाई करना चाह रहा हूँ कि वो भी सामने आना चाहिए। नहीं है कि जितनी पोस्ट जो मासी की थी उसकी पसंद से क्या हुआ, नहीं हुआ, सारी चीजें खत्म हो
विश्वास की भी कॉप जो है वो इत्माद करने में थोड़ा सा काफी से काफी किए कि हुकूमत जो बात करती है वो पूरी नहीं। मैं यकीनन जो आप बात कर रहे हैं, जो आपका कंसर्न है, इस पे मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट्स की, जिनके प्यारे गए हैं वो हकायक जानना चाहते हैं कि वजह क्या हुई है, कि क्रैश लैंडिंग क्यों हुई है, वो जानना चाहते हैं, तो फैक्ट्स उनके सामने आने चाहिए और जो जिम्मेदार हों उनके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए। तो ये तो जिम्मेदारी, देख रहा पिछले अगर अद्वार में कुछ वाकयात हुए हैं तो वो भी हम जिम्मेदारी, मैं लेना चाह रहा हूँ कि उसकी भी रिपोर्ट और इसकी भी रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम पब्लिक। यकीनन जी आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट सीए होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि इसकी सेग्रीग्रेशन हो, जिस तरह मैंने कहा रेगुलेटरी और कमर्शियल दो डिफरेंट फंक्शंस हैं सीए के, उन्हें अलग अलग कर दिया जाए। अब 30 जून लास्ट कैबिनेट में भी हमारे एजेंडे पे था, डिस्कशन पे था और बड़ा सीरियस व्यू उस पर प्राइम मिनिस्टर ने लिया और 30 जून उसके लिए लास्ट डेट हमने रखी है। इंशाल्लाह ताला इसी साल ये डिवीजन भी मुकम्मल होगी और इंडिपेंडेंट डीजीसीए, एडिशनल डीजीज दोनों अदारों के इंडिपेंडेंट एडिशनल डीजीज आएंगे। आबादी जो है 3 किलोमीटर रूट को, उस पर आप क्या कार्रवाई? एक आप ही के लिए खबर है, आप ही, आपकी तरफ से खबर नहीं कि मैंने पेपर्स देखे सिर्फ कराची 1500 एकड़ सीए लैंड इंक्रोच हो चुकी है। वो भी तो कोई हुकूमतें जिम्मेदार थीं, कुछ अफसरान जिम्मेदार थे, तो अब उस इंक्रोचमेंट की यहां इलीगल काम हुए हैं कि जहां ऑथोराइज नहीं था, हो सकता है फनल एरियाज जहां रिस्ट्रिक्शंस थी, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन भी हुई हो, ये तो गलतियां होती रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम रेटिफिकेशन की कोशिश करेंगे। जी सर, एक चीज पूछी थी, एक तो आपने कहा कि कंपनसेशन दी जाएगी जो डेड बॉडीज हैं, जो फैमिलीज हैं, तो जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए भी आपने कुछ रखा हुआ है, और दूसरा कि जो जिनकी इमारतें हैं जिसके जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसकी अश्योरेंस दे रहे हैं कि उनको भी कंपनसेट किया जाएगा या उसकी परमिशन लेंगे अभी? लेकिन ये जो सर्वाइवर्स हैं उन्हें तो अल्लाह ताला ने कंपनसेट कर दिया कि दोबारा नई जिंदगी दे दी, उन्हें हमने क्या देना है? अल्लाह ताला इससे बढ़ के और क्या दे सकता है? चले उन्हें क्या दिया जा सकता है? जो मलिक साहब उन्हें भी हम यकीनन कंसिडर करेंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के बारे में तो हम कह चुके हैं कि उनकी असेसमेंट होगी और कंपनसेशन होगी इंशाल्लाह ताला। सर ये बताइएगा कि पेदर पे ऐसे वाकयात होते रहे, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से आगामी इकदामात के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि कल भी जब हमने सर स्वीकार देखी तो हमें वहां पे सिविल एविएशन अथॉरिटी बिल्कुल जीरो नजर आई, वहां पे आर्मी का कुछ आप पॉइंट आउट कर देना, गुरानुमाई कर दें। एमरजेंसी लैंडिंग के लिए एसओपीज मौजूद हैं, अरेंजमेंट सारे मौजूद हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक मौजूद हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के तहत मौजूद हैं। बस अनफॉर्चुनेटली उस तरह की अनाउंसमेंट पायलट ने की नहीं कि मैं एमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता हूं, वो सारे अरेंजमेंट्स किए जाए। तो बात करता है तो वो कहता है कि उसका लैंडिंग गियर भी निकले, बाद में कहता है दो दो इंजन चक्का बंद हो गए।
यही ब्लैक बॉक्स से यही कन्वर्सेशन सामने आएगी और उसकी भी इंक्वायरी होगी, लेकिन ये चंद चीज़ें ज़रूर टेक्निकल हैं, चंद चीज़ों की वजह से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक कन्फ्यूजन भी है जिस तरह ये मीडिया पे भी ये चीज़ें चल रही हैं, और इसमें मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ हवालों से अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो कमेटीज़ इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगी, इंक्वायरी करेंगी, और इसमें यकीनन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका तो बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट व्यू होगा ना, तो ये सारी चीज़ें सामने उस वक्त आएंगी, फिलहाल सारी क्या सराइयाँ आएंगी। जी सर, कराची में विफाकी वजीर हवाबाजी सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि शफाफ इंक्वायरी होगी। बतौर मुंतखब अवामी नुमाइंदा यकीन दिलाता हूं कि इंक्वायरी शफाफ तरीके से की जाएगी। एयरबेस के माहिरीन भी आज़ादाना तहकीकात के लिए आ सकेंगे। उनका कहना है कि अफसोस है कि अभी तक हम इंक्वायरी रिपोर्ट आम नहीं कर सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे की खबर सबसे पहले।